नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाला है स्मॉल सैम्पल टेस्ट के एक अलग प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर। ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम हमारे सम के ऊपर जंप करेंगे। अ रैंडम सैम्पल ऑफ 16 वैल्यूज फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ मीन ऑफ 41.5 इंचेस एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम दिस मीन इज इक्वल टू 135 स्क्वायर इंचेस। ऑब्टेन 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द मीन। ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे लाई करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कॉन्फिडेंस लिमिट दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन है। अगर दिया गया नहीं होता तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो अगर आपके क्वेश्चन में अपर रेंज, लोअर रेंज या इंटरवल पूछा गया है तो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन है। और अगर आपके क्वेश्चन में किसी ने क्लेम किया है या कंपेयरिंग किया गया है तो वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है, या आई मीन टेस्ट ऐसा कुछ वर्ड होगा तो वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस का क्वेश्चन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन कॉन्फिडेंस इंटरवल का है। अब हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन सिंगल मीन का है, डबल मीन का है। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज़ की बात हो रही है, रैंडम सैम्पल ऑफ 16 वैल्यूज, इन्हीं चीज़ की बात हो रही है। आई मीन ऐसे चीज़ें नहीं है कि बॉयज इतने थे, गर्ल्स इतने थे, आई मीन इस सिचुएशन में दो चीज़ों की बात हो रही है, बट यहाँ पे एक ही चीज़ की बात हो रही है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का सिंगल मीन वाला क्वेश्चन है। तो अभी इससे हमें पता चलता है कि हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये और ये। सो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल ऑफ 16 वैल्यूज, अब यहाँ पे यही पढ़ के आपको समझ जाता है कि जो मीन है वो 16 है, क्योंकि सैम्पल ऑफ 16 वैल्यूज दिया गया है। तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू 16। एंड नाउ पॉपुलेशन शोड अ मीन ऑफ 41.5 इंचेस। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने जैसी ये है कि हमें यहाँ पे क्या है, एक्स डैश निकालना है, टी निकालना है और इसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसका मतलब सिग्मा निकालना है और एन निकालना है। सो बेसिकली एक्स डैश, टी, सिग्मा और एन तो निकाले ही है। तो अभी यहाँ पे एक्स डैश का मतलब होता है मीन ऑफ सैम्पल। ओके, सो अभी यहाँ पे सैम्पल का मीन क्या है? ये जो है ये 16 वैल्यूज, आई मीन सैम्पल ये है और इसका मीन ये है, आई मीन ये जो है ये इसके साथ एसोसिएटेड, राइट? अ रैंडम सैम्पल ऑफ वैल्यू फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ मीन ऑफ 41.5, मतलब ये इसके साथ एसोसिएटेड है, मतलब ये जो है ये मीन ऑफ सैम्पल है। तो इसका मतलब ये है कि 41.5 जो है वो एक्स डैश है। ये हो गया। अब टी हम बाद में फाइंड आउट करने वाले हैं, मतलब अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हम लोग ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, वो आपको बाद में पता चल जाएगा क्यों। एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन इज इक्वल टू 135 स्क्वायर इंचेस। अभी इसका मतलब क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये इसका वैल्यू 135 है। सो अभी यहाँ पे ये लिखते नहीं बैठता हूँ, ठीक है, इसका वैल्यू 135 है। अब इसका वैल्यू क्यों दिया गया है? और इसका वैल्यू दिया गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें सिग्मा जो है इसका फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला उसमें ये यूज़ होता है, तो आपको वो वहाँ पे यूज़ करना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट दिस अपॉन दिस, सो दिस सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2.9। सो बेसिकली सिग्मा 2.9 आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज यहाँ पे होता है और इसका वैल्यू हमें नहीं पता। तो इसका मतलब हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। सो सिग्मा एक्स कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन। सो सिग्मा मतलब 2.9 अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन, दैट इज 16 माइनस वन, दैट इज अंडर रूट 15। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आएगा 0.748। अब ये आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये जो है इसमें डाल देने का है, बट यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे टी का वैल्यू नहीं पता हमें, तो टी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। टी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप? अब उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना पड़ेगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है? सिंगल मीन है और डबल मीन है। सो हमारा क्वेश्चन जो है सिंगल मीन का आपको स्टार्टिंग में बोला था। सो अगर सिंगल मीन है तो इसका मतलब डी एफ इज इक्वल टू एन माइनस वन। सो डी एफ इज इक्वल टू एन माइनस वन, दैट इज 16 माइनस वन, दैट इज 15। ये हो गया। एंड वन मोर थिंग, डी एफ फाइंड आउट करने के बाद आपको अल्फा फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अल्फा 95% दिया गया है, 95% इसका मतलब अल्फा हमारा 5 है, वो डिविजिबल बाय के हिसाब से देखना पड़ता है, मतलब 95 मतलब 5, अगर 50 होता था मतलब 10, अगर 99 होता था तो इसका मतलब 1। सो मतलब हमारा जो अल्फा है वो 5% है, अल्फा इज इक्वल टू 5%। सो हमें देखना है टी एट 5% / 15, ये हमें देखना है। सो गाइस, ये हमारा टेबल है। अब वहाँ पे 5% 15 पूछा गया है, तो यहाँ पे 5% मतलब 0.05 और इसका 15th नंबर का हमें देखना है, तो इसका 15th नंबर है,
2.131. तो जैसे कि आपने देखा कि इसका वैल्यू आता है 2.131. सो बेसिकली अभी हमें टी का भी वैल्यू मिल चुका है एंड यहाँ पे आई मीन ये सब भी आ गया है. अब हमें ये सब चीज़ें इस फॉर्मूले में डालनी है, दैट इज एक्स डैश प्लस माइनस. एक्स डैश क्या है हमारा, एक्स डैश इज इक्वल टू 41.5 प्लस माइनस टी इंटू दिस. सो दैट इज टी का वैल्यू क्या है, 2.131 इंटू दिस मतलब ये. इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था 0.748. अब हमें क्या करना है, अब अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपको ये वाला वैल्यू मिलता है, और अगर आप इसका और इसका एक बार एडिशन करते हो तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा, और अगर आप इसका और इसका सब्सट्रैक्शन करते हो तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा. एंड दैट वाज द आंसर. आई होप आपको सम समझा होगा, आई होप आपको वीडियो समझा होगा. नाउ प्लेलिस्ट में आपको सैम्पलिंग पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा, मतलब हर टाइप के सम्स मैंने सॉल्व किए हैं. एंड अगर आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट चाहिए तो उसका भी प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, वहाँ पे हर एक टॉपिक टाइप सब कुछ मिल जाएगा. दोनों के हर चीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में. नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नोट्स में मैंने अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं, इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं. एंड अगर आप सिर्फ वही एग्जाम्पल्स भी अगर सॉल्व करके आई मीन प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाते हो तो आप आराम से बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते हो, दैट्स माय प्रॉमिस. सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो. सब्सक्राइब माय अदर यूट्यूब चैनल एज वेल कॉल्ड प्लैनेट ओजस. थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे. बाय.